तो एग्जाम्पल्स ऑन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला एग्जाम्पल है गैल्वेनोमीटर विद कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या गिवन है इसमें, ये किसकी बात कर रहा है, गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर की जो कॉयल है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम। तो इसको जी या आर जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है तो वो कितना करंट मेजर कर सकता है, 2.5 मिली एम्पियर। आई जी की वैल्यू आ गई इसमें। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस मीटर इन टू क्या, एम मीटर। अब क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो छोटा करंट मेजर कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर, हमें कौन सा करंट मेजर करवाना है, बड़ा करंट, और बड़ा करंट कितना है, 7.5 एम्पियर। तो यानी कि क्या लगानी पड़ेगी, शंट। तो आपको एमीटर बनाना है तो शंट लगानी पड़ेगी। तो आपको ये सोल्यूशन देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि अगर आप बड़ा करंट मेजर करना चाहते हो तो आपको शंट लगानी पड़ेगी। तो इसमें बड़े मीटर का आई पता है, आई जी पता है और जी पता है। तो शंट का फॉर्मूला लगाएं, जी इंटू आई जी, आई माइनस आई जी, वैल्यूज को पुट करें आंसर। तो आप ये सोल्यूशन देंगे, वो ये नहीं कहेगा शंट बताओ, वो आप सोल्यूशन देंगे कि मुझे इसमें एमीटर कन्वर्ट करने के लिए शंट लगानी पड़ेगी और शंट की वैल्यू 4 × 10³ ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। अब सेकेंड पार्ट है, इसी गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर की वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा इन सीरीज। तो वोल्ट मीटर में आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो जी पता है, आई जी पता है और वी पता है। तो आर के फॉर्मूले में सारा कुछ पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। सोल्यूशन आपको देना है कि मेरे को सीरीज में ऐसी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी तब मेरा आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है अ गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स। तो जो गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, फिर से गैल्वेनोमीटर के अंदर जो स्केल लगा हुआ है उसमें 100 डिविजन्स हैं, गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। तो इस गैल्वेनोमीटर में 10 डिविजन्स पे कितना करंट मेजर होता है, 1 मिली एम्पियर, ये करंट मेजर होता है। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट। तो इस गैल्वेनोमीटर में अगर 2 डिविजन्स हैं तो उसके 2 डिविजन्स के लिए कितने मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट है। वॉट एडॉप्शन आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर एंड 1 डिविजन पर वोल्ट। मतलब वो सोल्यूशन पूछ रहा है कि मैं इस गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करना चाहता हूँ, 5 एम्पियर करंट। तो गैल्वेनोमीटर तो छोटे करंट मेजर करता है, मुझे क्या मेजर करना है, बड़ा करंट। तो बड़ा करंट बनाने के लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, शंट इन पैरेलल, शंट इन पैरेलल। क्लियर है यहां तक? तो शंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब शंट का फॉर्मूला अगर आप देखें तो उसमें क्या चाहिए होता है आपको, हाँ, शंट के फॉर्मूले में आपको आई जी चाहिए, जी चाहिए, आई और आई जी। तो गैल्वेनोमीटर का करंट चाहिए, लेकिन मुझे मेरे क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर का करंट नहीं गिवन। अब उसके बदले में मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि गैल्वेनोमीटर में कितने डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स हैं, और करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। तो एक बात बताओ, मेरे गैल्वेनोमीटर में 10 डिविजन्स के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर। 1 डिविजन के लिए कितना है, दिस अपॉन 10, और कितने डिविजन्स है गैल्वेनोमीटर की, 100। तो दिस इंटू क्या करेंगे, 100। तो ये आई जी की वैल्यू आ जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या आएगा, ये गैल्वेनोमीटर का करंट आएगा। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से आपको ये भी तो गिवन है वोल्टेज सेंसिटिविटी कि 2 डिविजन पर मिली वोल्ट। तो 2 डिविजन्स के लिए कितने मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट है। 1 डिविजन के लिए इतने मिली वोल्ट, इतने वोल्ट है, और हमारे पास कितने डिविजन्स हैं, 100। तो कितने वोल्ट है, इतने वोल्ट। तो ये क्या आ गया, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गई, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गई। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 5 ओम। तो जी आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या मेजर करना है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का मतलब आई, ठीक, शंट लगेगी, आई जी हमने निकाल लिया।
जी हमें गिवन है, आई पता है 5, आई जी पता है शंट आगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि शंट की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें? कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। इसी के अंदर मुझे एक और काम करना है, मुझे क्या मेजर करना है? 1 डिवीजन पर वोल्ट। तो 1 डिवीजन पर वोल्ट का मतलब क्या समझेंगे कि 1 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली कितने वोल्ट आने चाहिए? 1 वोल्ट। हमारे पास गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन हैं? 100। तो मुझे क्या मेजर करना है? 100 वोल्ट। तो मेरा गैल्वेनोमीटर, मैं ये चाहता हूं कि उस वो 100 वोल्ट मेजर कर दे। तो आम गैल्वेनोमीटर तो 100 वोल्ट मेजर नहीं कर पाता, तो यानी कि हमें अपने गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वोल्ट मीटर में, ताकि वो 100 वोल्ट मेजर कर पाए। और ऐसा करने के लिए आपको एक हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी सीरीज में, क्योंकि वोल्ट मीटर कन्वर्जन के लिए आर लगता है। तो आपको सेकंड सॉल्यूशन क्या देना है कि अगर आप 100 वोल्ट, देखो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहा 100 वोल्ट मेजर करो, वो कह रहा है 1 डिवीजन पर वोल्ट मेजर करो। तो 100 डिवीजन पर 100 वोल्ट मेजर करो, सिंपल। हमारा पूरा गैल्वेनोमीटर तो 100 वोल्ट मेजर करेगा, तो मुझे एक हाई रेजिस्टेंस आर लगानी पड़ेगी। वी की जगह 100, आई जी मैंने निकाल लिया, जी आ गया आंसर। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो आप ही को देना पड़ेगा कि शंट लगेगी या आर लगेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर तो बड़े एम्पियर्स मेजर करने हैं तो फिर एमीटर शंट लगेगी, और अगर बड़े वोल्ट्स मेजर करने हैं तो फिर आर लगेगा सीरीज में। तो दोनों के फॉर्मूलाज क्लियर हैं, एस का और आर का? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एन एम मीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी 0.80 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। तो किसकी बात कर रहा है? वो एक एम मीटर की बात कर रहा है जिसकी रेजिस्टेंस आपको दे रहा है। अब एक अजीब सी बात है, बात वो एम मीटर की कर रहा है पर मैं इसको सिंबल क्या दे रहा हूँ? जी। तो जी का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अजीब सी बात होगी, ये कैसे हो सकता है, राइट? तो एक पॉइंट को समझो, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर से छोटी मशीन नहीं है कोई, मेरे पास गैल्वेनोमीटर है और जो कि 1 मिली एम्पियर मेजर करता है बस। मैं मेजर करना चाहता हूँ 10 एम्पियर, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा उसे? एमीटर। कैसे? बाय कनेक्टिंग शंट, बन गया एमीटर। अब मेरा एमीटर 10 एम्पियर करंट मेजर करता है, मेरे को मेजर करना है 20 एम्पियर। अब मेरे को उस एमीटर को भी एक और शंट लगानी पड़ेगी ताकि वो क्या बन जाए? एक बड़ा एमीटर। अब 20 मेजर कर रहा है मेरा, अब नया एमीटर मेजर कर रहा है 20 एम्पियर, मैं मेजर करना चाहूँ 30 एम्पियर, मेरे को एक और शंट लगानी पड़ेगी नया एमीटर। तो बेसिकली हर का काम वही है, नाम चाहे सबसे छोटे वाले का नाम गैल्वेनोमीटर है पर काम तो वो भी एमीटर का ही करता है। तो नाम में कुछ नहीं रखा, ये सारे की सारी मशीन करंट ही मेजर करती हैं। तो जब एक मशीन को मॉडिफाई करके आप एक नई मशीन बनाते हो या एमीटर को मॉडिफाई करके एक नया एमीटर बनाते हो, तो पुराने एमीटर को अपने मन में चाहे गैल्वेनोमीटर का नाम दे दो, कोई फर्क नहीं, स्टेप तो वही रहेगा ना। एमीटर से एमीटर बनाने का भी सेम स्टेप है कनेक्टिंग शंट, और गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का काम भी वही है, क्योंकि हर कोई छोटा करंट मेजर कर रहा है, वो बड़ा करंट मेजर करेगा तो वो एमीटर बनेगा।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अब इस केस में एमीटर की रेजिस्टेंस आपको गिवन है और कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर. अब 1 एम्पियर करंट कायदे से तो गैल्वेनोमीटर मेजर करता नहीं है, पर ये कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? एमीटर. पर मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि कितनी शंट इस पर लगाई जाए ताकि वो कितना मेजर करे, 5 एम्पियर. तो 1 एम्पियर से क्या मेजर करवाना है? 5 एम्पियर. तो पुरानी वाली मशीन, चाहे नाम एमीटर है, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? गैल्वेनोमीटर. फॉर्मूला तो वही लगेगा शंट का. तो पुरानी जो मशीन है एक्चुअल, अपने मन में सोचें वो गैल्वेनोमीटर है, तो जिसकी रेजिस्टेंस जी पता है, जिसका आई जी पता है, और हम क्या निकालना चाहते हैं? एस. और हमें क्या पता है? आई पता है. तो शंट का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा लेते? आई जी पता है, जी पता है, एस पता, एस निकाल लें आंसर. मतलब नाम सिर्फ एम मीटर है ओरिजिनल मीटर का, पर काम वही सेम है गैल्वेनोमीटर वाला. पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? उसी तरीके से वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर एंड शंट. तो एम मीटर और शंट की रेजिस्टेंस क्या होगी? शंट क्या है? एस. एम मीटर क्या है? जी. एम मीटर क्या? गैल्वेनोमीटर ही तो है. तो कंबाइंड, क्योंकि पैरेलल में होते हैं, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगी? 1/R इज 1/G + 1/S आंसर. तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसे पढ़ें. इन अ गैल्वेनोमीटर देर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर. कोई मैं बताएगा ये होता क्या है? 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर होता क्या है? इसको टर्म को नाम क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी क्या होती थी? कितना एंगल अपॉन कितना करंट, या एंगल की जगह डिवीजन अपॉन करंट को भी करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं. तो करंट सेंसिटिविटी गिवन है आपकी, ठीक है यहाँ तक? तो यानी कि 10 डिवीजन में 1 mA करंट मेजर करता है ये. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेन, ये बैटरी थोड़ी ना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ही है. तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है इसमें? 60 G. इफ शंट एस इज गिवन गैल्वेनोमीटर के साथ जो कनेक्ट की जा रही है, देर आर 50 डिवीजन इन ऑल. गैल्वेनोमीटर में कितनी डिवीजन है? 50 डिवीजन है. स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट इज द मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर कैन रीड. तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, इसमें शंट दे रहा है और वो पूछ रहा है कि एम मीटर जो बने शंट लगाने के बाद क्या बनता है? एम मीटर. तो एम मीटर क्या करंट मेजर करेगा आए, ये आपको बताना है. नॉर्मल क्वेश्चन में आए पता होता है कि मेरे को 5 एम्पियर रीड करवाना है, 10 एम्पियर रीड कर, तो एस बताओ. इसमें एस दे रहा है, आई निकालना है. तो कैसे? तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में 50 डिवीजन हैं और करंट सेंसिटिविटी क्या गिवन है? 10 डिवीजन पर 1 mA. तो 10 डिवीजन पर 1 mA, 1 डिवीजन पे इतने एम्पियर, और 50 डिवीजन में इंटू 50, ये क्या आ गया? गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया. तो करंट सेंसिटिविटी आपको हेल्प करेगी गैल्वेनोमीटर का करंट कैलकुलेट करने में, प्रोवाइडेड आपको गैल्वेनोमीटर के नंबर ऑफ डिवीजन पता हूँ. क्लियर है यहाँ तक? तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? आई जी, कोई डाउट इसमें? तो गैल्वेनोमीटर का आई जी पता लग गया, शंट आपको दिया हुआ है, जी आपको पता है. तो शंट के फॉर्मूले में एस पता है, आई जी पता है, जी पता है, आई निकालना है. आई इज आंसर. समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो या तो वो आई देगा और एस पूछेगा, या एस देगा और आई पूछेगा. और ये डिवीजन डिवीजन का कोई चक्कर नहीं है, आपको जब भी डिवीजन पर मिली एम्पियर ऐसा गिवन होगा तो आपको नंबर ऑफ डिवीजन भी साथ में गिवन होती है ताकि आप करंट निकाल सकें.
तो ये इनडायरेक्ट तरीका है टू गिव द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर. क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? ठीक. इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन करें प्लीज. गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज जीरो से वी. तो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? वोल्टमीटर में. वो क्या मेजर करे? वी. कनेक्टिंग रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद इट. तो आर को सीरीज में लगा दिया. हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द रेंज फ्रॉम जीरो टू वी बाय टू वोल्ट. तो अब मुझे क्या बनाना है? इसका वोल्टमीटर बनाना है. और वोल्टमीटर की रेंज क्या रखनी है? वी बाय टू रखनी है. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो दो केस बनेंगे. पहला केस, हमें क्या लगानी पड़ेगी? हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. तो आर का फॉर्मूला लिखें. पहले केस में ये एलसीएम ले लें, पहले या एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई जी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ कर लें. तो इस फॉर्मूले से आई जी को एक तरफ, एलसीएम लेके और बाकी एक तरफ. तो पहले केस में वोल्ट कितने बनाने हैं? वी. और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी की बने? आर. दूसरे केस में वोल्ट मीटर बनाना है ऑफ रेंज वी बाई टू, और रेजिस्टेंस कितनी रखनी है? आर डैश जो निकालनी है. अब
वो जो गैल्वेनोमीटर है वो तो उतना ही करंट मेजर करेगा जितना वो कर सकता है आईजी। तो आप इन्हें इक्वेट कर लें, वन एंड टू इक्वेट करके वी से वी कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो कुछ नहीं करना, दो केस करने हैं, एक में वोल्ट मीटर बनाना है ऑफ रेंज वी और एक में वोल्ट मीटर बनाना है ऑफ रेंज वी बाई टू। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी सर, ये आईजी की टर्म में भी आ सकता था ना? आईजी की टर्म में भी आ सकता था ना ये फॉर्मूला? अगर नहीं, हम जी क्यों आएगा आईजी की टर्म में? क्यों आएगा? आपको इस क्वेश्चन में आईजी गिवन ही नहीं है, आपको नहीं आईजी की टर्म में नहीं आएगा ये आर और जी की टर्म में ही आएगा। लेकिन इसमें जी भी तो, फिर तो अगर आप आईजी की टर्म में कह रहे हो फिर तो दो केस बनाने की जरूरत ही नहीं है यार, फिर तो इसी से सॉल्व करके आर डैश निकाल दो, खत्म। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि करंट आईजी है, आईजी मैंने अज्यूम किया दोनों में, तो आईजी को एलिमिनेट ही करना पड़ेगा आपको, और आपको आंसर रेजिस्टेंस की फॉर्म में देना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस का आंसर रेजिस्टेंस की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को करें। When a galvanometer having 30 divisions scale, तो galvanometer है और उसके अंदर क्या है 30 divisions scale and G 100 ohm resistance is connected in series to a battery of EMF 3 volt through a resistance of 200 ohm shows a full scale deflection। जरा फिर से एक बार पढ़ लें, किसकी बात कर रहा है वो? galvanometer की। क्या दे रहा है? 30 डिवीजन स्केल है, तो यानी कि गैल्वेनोमीटर में कितनी डिवीजन्स हैं? 30 डिवीजन्स हैं, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 100। इस गैल्वेनोमीटर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया हमने 3 वोल्ट की, और साथ में एक और चीज़ कनेक्ट की सीरीज में 200, तो यानी कि कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस होगी वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस एंड आर, यानी कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 100, और आर कितना है? 200। तो 100 + 200, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब वो क्या कह रहे हैं? शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली हम अपना काम फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे ही करते हैं। फाइंड फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती थी? फिगर ऑफ मेरिट के दो फॉर्मूले थे, आई बाई एल्फा या फिर के बाई एन बी ए। इसमें के बाई एन बी ए का कहीं फॉर्मूला लगता नजर आ नहीं रहा, तो आई बाई एल्फा। एक बात बताएंगे, फिगर ऑफ मेरिट जो है वो आई जी बाई एल्फा, आई जी का मतलब कि कितना गैल्वेनोमीटर का करंट है और कितनी उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, इसकी रेशियो को फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। कोई मुझे बताएगा रेसिप्रोकल ऑफ फिगर ऑफ मेरिट को क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी एल्फा बाई आई जी। तो करंट सेंसिटिविटी का उल्टा फिगर ऑफ मेरिट। तो अब इसका मतलब मुझे क्या निकालनी है? करंट सेंसिटिविटी, उसको रेसिप्रोकल करेंगे आंसर आएगा। अब करंट कितना है गैल्वेनोमीटर में? गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा वो क्या होगा? कौन करंट पैदा कर रहा है इसमें? कौन करंट सेंड कर रहा है? ईएमएफ। तो ईएमएफ कितनी है इसमें? 3। और टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की कितनी है? 200 + 100। तो ये क्या आ गया? करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया। फिगर ऑफ मेरिट क्या है? आई जी बाई एल्फा। तो आई जी निकाल लिया मैंने, और एल्फा, एल्फा डिफ्लेक्शन कितनी है? 30 डिवीजन, इसी को तो क्या बोलते हैं? एल्फा। तो याद है ना, या तो एंगल गिवन होगा रेडियंस में या डिवीजन गिवन होगा, तो डिवीजन्स और एंगल एक ही बात है। तो कितना करंट, कितना एंगल, कितना करंट, कितनी डिवीजन्स, तो ये माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन में क्या आ गई? फिगर ऑफ मेरिट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। पॉइंट क्लियर है? कैसे निकलेगा इसमें? इस क्वेश्चन को देखें प्लीज।
मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। मल्टी रेंज क्या होता है, जो कई वोल्टेजेस को इकट्ठी मेजर कर देता है, मतलब वो 10 भी कर देगा, 20 भी कर देगा, 30 भी कर देगा। कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर, वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ वोल्ट मीटर दैट कैन मेजर 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट यूजिंग गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। ये क्या आगे बने हैं, जी, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को जी। तो वो क्या कह रहे हैं, और करंट कितना मेजर करवाना है, 1 मिली एम्पियर। ये क्या आगे बने हैं, आई जी, गैल्वेनोमीटर का करंट आई जी, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी। क्या निकालना है, R1, R2, R3। तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप खुद सोचो, अगर मैं सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेता हूँ बस, तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। आर सीरीज में है, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, 2 वोल्ट। अगर मैं इसे हटा दूँ और सिर्फ इन दोनों को लगाऊँ, रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो फिर से नया वोल्ट मीटर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, जी प्लस R1 प्लस R2, क्या मेजर करेगा, 20 वोल्ट। मैं दोनों को हटा देता हूँ तो टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या मेजर करेगा, 200 वोल्ट। तो 3 वोल्ट मीटर है इसमें। केस नंबर 1, आई जी पता है, जी पता है, और हमें R का फॉर्मूला पता है, V बाई आई जी माइनस जी से R प्लस जी। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, R1 प्लस जी। R1 प्लस जी में V की वैल्यू कितनी है, 2, डिवाइडेड बाई करंट कितना है, 10 की पावर माइनस 3। तो किसकी वैल्यू आ गई, R1 प्लस जी। जी क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो किसकी वैल्यू आ गई, R1, फर्स्ट आंसर। तो क्या स्टेप क्लियर है, पहला आंसर। दूसरे पार्ट में इसको हटा दें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी, जी प्लस R1 प्लस R2। तो केस नंबर 2 में टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस R1 प्लस R2 इज V बाई IG। V कितने आप, 2 की जगह 20 वोल्ट, IG वही है। अब इस क्वेश्चन में जी पता है, R1 पता है ऊपर से, तो क्या आ जाएगा, R2 आ गया। नेक्स्ट केस में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 10 क्या मेजर करेगा, 200। तो इसमें R3 निकालना है, तीनों रेजिस्टेंस गिवन है, तो R3 कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मल्टी वोल्ट मीटर कैसे काम करेगा इसमें, राइट। तो इसके बेस पे आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है, ये जो असाइनमेंट है ये कन्वर्जन ऑफ एम मीटर की है, तो गैल्वेनोमीटर, एम मीटर और वोल्ट मीटर जो हमने टॉपिक किया, ये सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपने ट्राई करने हैं क्योंकि ये भी शंट और वोल्ट मीटर एम मीटर के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने ट्राई करने हैं, फिर ये भी आपने ट्राई करने हैं। तो 3 असाइनमेंट्स हैं। पहली असाइनमेंट है गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर के न्यूमेरिकल्स। दूसरी असाइनमेंट है एम मीटर की। तीसरी असाइनमेंट है वोल्ट मीटर की। समझ में आ रहा है, तो ये आपका प्रैक्टिस करने का काम है।